आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हे एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी। तो फाइनली स्वागत है आपका हमारे शानदार यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है HAMZA हमजा रफीक। सही पकड़े हैं। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका मुझे था इंतजार काफी अरसों से। बस 7-8-9 से लोग कहते थे कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, लिखने का तरीका सही करो, राइटिंग अच्छी करो, स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि बोर्ड आने वाला है। बोर्ड्स आ भी गए, चले प्रमोट भी हो गए और रिजल्ट भी आ जाने वाला है 12 बजे। अभी CBSE हेडक्वार्टर की तरफ से ट्यूट आया है कि 12 बजे तक अनाउंस हो जाएगा। तो चलिए, तो 11:30 बज चुके हैं। अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक जाता जा रहा है वैसे वैसे डर भी बढ़ लगता जा रहा है। पहली बात तो खुद एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, और दूसरी बात कि वैसे 12th का कई सारा मैंने देखा है कि मतलब भर भर के नंबर मिला है। नंबर हो तो ऐसा हो, कई लोग कह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। और मौसम भी आपको मैं दिखाता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। मौसम सही है, मतलब धूप है बहुत तगड़ी। देखिए मौसम भी ठीक ठाक है, मतलब दोपहर है और अच्छी बात है, वरना अगर डार्क मौसम रहता तो और डर लगता। मतलब अंधेरा पूरा हुआ है, रिजल्ट आने वाला है भाई साहब, और मेरी तबीयत भी खराब हो चुकी है, सर्दी भी हो चुकी है, ठंडा पानी भी ज़्यादा ही पी लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 5 हो चुके हैं, अब देखिए क्या होता है। बस 15 मिनट बाकी है, थोड़ा रूम भी सही कर दिया जाए, क्या होता है मीडिया वाले लोग आ जाए तो समझा करो थोड़ा सा। तो अब देखिए क्या ही होता है। वैसे मैं भी शायद अच्छा ही हो, इसलिए काली चाय भी पी रहे हैं। देखिए क्या होता है। और फिलहाल 12 बजने ही वाला है, जैसे जैसे टाइम नज़दीक जा रहा है हालत उतनी ख़राब होती जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि समझ लीजिए इतना नज़दीक है हम लोग 1K के, बस आप सब्सक्राइब कर दिएगा तो 1K कम्प्लीट हो जाएगा। फिलहाल तो रिजल्ट आया नहीं, अब देखिए कब आता है। हर साल लेट होता है, इस साल भी लेट हो रहा है, और देखिए कितना परसेंट आता है। 70+ अगर आ गया तो एक डिसेंट मार्क रहेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई 70+ है, चलो कोई बात नहीं। 65 आ गया तो 65 लेके कहाँ घूमूंगा। चलिए ठीक है, 65 भी अगर आ गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर 60 के नीचे आ गया तो भाई साहब, मैं अपनी मम्मी से सिर्फ, अगर 60 के नीचे आ गया तो अपने मम्मी से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई। और डायरेक्ट जाके उधर रिजल्ट वाला में देख लिया यार, इधर से देखना स्टार्ट करो, वॉच टाइम ही मिलेगा, समझा करो। और मैंने कुछ रोल नंबर जो फाइंड किया था उसका भी छोटा सा क्लिप है, 26 सेकंड का है अप्रॉक्सीमेटली, तो वो देख लीजिए। वो रोल नंबर फाइंड बहुत देर बाद तो रोल नंबर मिला है, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी अगर मैं खुद अगर देता एग्ज़ाम तो शायद मे बी 90+ ला देता, बट अब चल झूठा। अब तो भाई साहब हमको अपने प्रिंसिपल पे पूरा भरोसा है, पूरा बड़े सर बड़े मैम पे पूरा का पूरा भरोसा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो देखते हैं अब कितना था। ओह माय गॉड, ये तो भाई साहब वो जो दिखाता है हमेशा से वो दिखा रहा है, या तो कुछ गलत है, शायद कुछ गलत है, देखिए क्या होता है। रुकिए एक बार और ट्राई करता हूँ। 12:08 हो चुके हैं। अरे यार जल्दी खोल भाई, तो उसे डर लग रहा है। ओ शर्ट मैन, जल्दी जल्दी हो जाए। फाइनली वो आ, घड़ी आ गई। और 79, 84। अबे यार ये कैसा नंबर दिए हैं सब यार। अबे 82 यार, 79, 70। अबे एक में भी 90 वो नहीं है, भाग यार। चलिए अब आ चुका है, अप्रॉक्स कह रहा हूँ 80.2% आया आपको, मैं इधर कहीं दिखा दूँगा। सही नंबर नहीं आया यार, मतलब एक्सपेक्टेशन थी मेरी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 85+, बट क्या ही कर सकते। मुझे लगा, सच बताऊँ तो मुझको लगा था, मैंने 12th का कई सारा मीम देखा था ना, तो मुझको लगा था कि 90+ आ जाएगा यार, लेकिन एट्टी आया, 88 आ जाता, 85 आ जाता, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, 80 आया है, लेकिन यार 80 तो नहीं आना चाहिए था ना यार। अब वैसे 80 भी ठीक ही है, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ, कसम खा रहा हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस इतना था कि 90+ मैं ला देता यार, लेकिन अब दोबारा एग्ज़ाम का इतना बेकार नहीं आया कि दोबारा एग्ज़ाम दूँ, एक डिसेंट आया है, ठीक ठाक है, और घर वाले को भरोसा भी नहीं दोबारा एग्ज़ाम दूँ। और
क्या ही बोलूँ, वैसे भी शायद इसका मार्क्स कहीं मैटर ना करे, बट एक मार्क्स पा जाता तो अच्छा लगता फिर। और रोल नंबर आपको दिखाई दिया हो, अगर चेक करना है तो आप भी चेक कर सकते हैं, ऐसे कोई मुझे 80 नहीं आना चाहिए था यार, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम 50 के नीचे तो 60 तो नहीं आया, 80 भी बहुत सही है यार। चलो 80 आया, कोई बात नहीं, बहुत सही, खुश है। और आपका कितना आया है, अगर आप एग्ज़ाम दिए थे या एग्ज़ाम दिए थे कह रहे, अगर 10th में आए तो बताइए आपका कितना आया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या पता उससे ही थोड़ा मूड सही हो जाए। बकिया सब तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह।